अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल फूड लवर बाय फरी। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लाई हूँ वो है मार्शमेलो। तो सबसे पहले हमने मार्शमेलो के लिए एक बाउल में पानी लिया है और उसे अच्छे से बॉयल कर लिया है। ये पानी एक ग्लास है। अब इस एक ग्लास पानी को हमने एक बाउल में आधा कर लेना है। अभी जो आधा पानी बचा है इसमें हमने एक कप शक्कर डाल दी है। एक कप शुगर डालने के बाद हमने इसका अच्छे से शीरा बनाना है। उसके बाद हमने जो आधा पानी बाउल में लिया था उसमें दो टेबल स्पून जेलेटिन पाउडर के डाल दिए हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। ये देखिए व्यूअर्स, ये अच्छे से डिसॉल्व हो चुका है। अब हमने देखना है कि हमारा शीरा तैयार है कि नहीं। शीरा बिल्कुल गाढ़ा और अच्छे से होना चाहिए। ये देखिए, ये गाढ़ा बिल्कुल शीरा हमारा तैयार हो गया है। ये हमने बाउल में निकाल लेना है और इसी के साथ हमने जो जेलेटिन का पानी बनाया था वो भी इसी में ऐड कर देना है। ये मेरे पास स्ट्रॉबेरी एसेंस है और रेड कलर है, ये मैं यूज़ करूँगी। सबसे पहले हमने इसको बीट करना है 10 मिनट के लिए। ये देखिए व्यूअर्स, इसका कलर बिल्कुल वाइट हो चुका है। अब मैं इसमें एसेंस के 2 या 3 ड्रॉप्स डालूंगी और इसे दोबारा से बीट करना स्टार्ट कर दूंगी जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता। ये देखिए, ये हमारा मार्शमेलो का लिक्विड ये अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। एक पैन में मैंने कॉर्न फ्लोर डाला है, उसके बाद मैंने इसका लिक्विड डाल दिया है। अब ये जो आधा लिक्विड है मार्शमेलो का, इससे मैं रेड कलर शामिल कर दूंगी। ये देखिए, बहुत ही प्यारा सा पिंक कलर आ गया है। अब ये वाला मार्शमेलो का लिक्विड भी हम उसी पैन में डाल देंगे। अब हमने इसको 2 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देना है। दो घंटे हो चुके हैं, हमारी मार्शमेलो बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसे आहिस्ता आहिस्ता नाइफ के जरिए साइड से अलग कर दूंगी। इसमें मैंने कॉर्न फ्लोर छिड़क दिया है ताकि ये चिपके नहीं। अगर आपकी नाइफ भी चिपक रही है तो आप नाइफ पर भी कॉर्न फ्लोर अच्छे से लगा लें। ये देखें व्यूअर्स, ये मज़ेदार मार्शमेलो तैयार है। बच्चे बहुत ही इंजॉय करेंगे और बड़े भी इसे बहुत ही इंजॉय करके खाएंगे। आप ट्राई कीजिए, घर में बनाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।